हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम हमारे यू इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 10 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि इस सीज़न का आखिरी एपिसोड है। एंड बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि इसका फोर्थ वाला सीज़न ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जो से, जो अपने हाथों पर लगा खून साफ कर रहा होता है, जहाँ वो रियलाइज करता है कि ही इज एज स्क्रूड अप इन मार्टेलिंडा एज ही वॉज इन ब्रुकलिन। यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है, जहाँ नर्स फियोना यहाँ से ओहायो चली गई थी। यहाँ जो को एक ही पछतावा था कि उसने फियोना के एब्यूसिव बॉयफ्रेंड को नहीं मारा। बैक टू प्रेजेंट, जो अब खून लगे कपड़े धोने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे मेरियन का मैसेज आता है एंड अब लव भी घर पर आ जाती है। सो वो खून लगे कपड़े डस्टबिन में छुपा देता है। तभी लव वहाँ आती है एंड जो को थियो वाले इंसिडेंट के बारे में बताकर उसे एक और बेबी के लिए ट्राई करने को मनाती है। तो उधर जो कल हेनरी को लेकर यहाँ से कहीं भाग जाने वाला है, पर वो सिर्फ इसमें कंफ्यूज है कि वो मैरियन को साथ ले जाए या नहीं। तभी उसे मैरियन का फिर से मैसेज आता है। अब मैथ्यू थियो को कॉल लगाता है, पर एज वी नो कि उसका कॉल नहीं लगता। तो उधर जो थियो के पास जाता है, या थियो अभी भी जिंदा होता है। केज में शेरी एंड कैरी का झगड़ा होता है, जहाँ शेरी कैरी के पैर पर गोली मार देती है। अब जो को मैरियन का कॉल आता है, जहाँ उसे रायन के मरने की खबर देती है, पर स्टिल पुलिस ने उससे पूछताछ की है एंड शायद वो इसमें फंसने वाली है। यह जो मैरियन को झूठ बोल देता है कि लव एंड उसने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया है, जिसके बाद वो दोनों जल्द ही साथ में होंगे। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों कहीं बाहर घूमने जाएंगे, पर यह थियो को होश आ जाता है। यह जो पहले तो उसे मारने का सोचता है, पर देन ही रिकॉल कि उसने अभी मैरियन से कहा था कि वो एक अच्छी फैमिली बनेंगे। तो वो थियो को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में डालता है, पर थियो हॉस्पिटल जाते ही मुंह ना खोले, इसलिए उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। तो उधर लव अपने आने वाले बच्चे के लिए नाम सर्च करने लगती है, जिसके बाद उसकी नज़र डस्टबिन पर पड़ती है, जिसे खोलने पर उसे खून से लथपथ जो के कपड़े मिलते हैं। जिसके बाद लव बेकरी जाती है, जहाँ कुछ कस्टमर रायन के खून के बारे में बात करते हैं, जहाँ लव को लाइब्रेरी फंडरेजर की बात याद आती है, जहाँ रायन भी आया था एंड मैरियन ने उसे बताया था कि वो उसका हस्बैंड है। एंड रायन का जो के साथ वाला बिहेवियर, जिससे लव समझ जाती है कि जो एंड मैरियन का अफेयर चल रहा है एंड रायन को जो ने ही मारा है। अब लव बेसमेंट में जाके शेरी को जो एंड मैरियन के बारे में बता देती है, जिसके तुरंत बाद शेरी लव को जो को मारने की बात कहती है, पर लव यहाँ उसे अब्यूज करके वहाँ से चली जाती है। उधर जो हेनरी को लेके डांटे के घर जाता है, जहाँ से लव हेनरी को 2 घंटे पहले ही ले गई थी। जिसके बाद लव घर जाता है एंड लव की बातों से उसे पता चल जाता है कि लव को सब पता चल गया है। अब डिनर के बाद लव जो को कन्फ्रंट करती है, जिसके बाद जो लव से डिवोर्स मांगता है, जिस पर लव उसे रिवील करती है कि उसने उसके खाने में एकनाइड मिलाया है, जिसे वो अब टेम्पररीली पैरालाइज हो जाएगा। एंड अब जो पैरालाइज हो जाता है, लेकिन तभी उसे उसकी दोस्त केकी का मैसेज आता है कि वो कपकेक्स लेने घर आ रही है, पर घर में तो जो पड़ा था, इसीलिए लव खुद ही केकी के घर कपकेक्स ले जाने का डिसाइड करती है। अब वो जो के मोबाइल से मैरियन का टेक्स्ट करके जल्द से जल्द उसके घर आने को कहती है एंड केकी के घर कपकेक्स डिलीवर करने चली जाती है। तो उधर मैथ्यू स्टिल थियो के लिए वरी कर रहा था, जिसके बाद वो थियो को देखने लव के घर चला जाता है, जहाँ उसे जो पड़ा मिलता है। यहाँ अब वो जो को मोबाइल लेके सर्च हिस्ट्री में चेक करता है, जहाँ लव इशारे से उसे बताता है कि थियो उसी हॉस्पिटल में है, जिसके बाद थियो उसे पनिश करने के लिए उसी हालत में छोड़ देता है। तो उधर कॉन्ड्रेड्स केज में एक दूसरे की केयर करते हैं एंड अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके अपने रिश्ते को फिर से अच्छा बनाते हैं। इधर घर में लव लौट आती है, तभी वहाँ मैरियन भी आ जाती है, जहाँ लव उसे रायन के मर्डर के बारे में सब सच बता देती है। अब लव मैरियन को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ मैरियन की बेटी जूलियट आ जाती है, जिसे वॉशरूम में जाना था, जिस पर लव उसे अपना वॉशरूम यूज करने को कहती है। एक्चुअली जूलियट को देखने के बाद वो मैरियन को ना मारने का डिसाइड करती है एंड मैरियन को यहाँ से जाने देती है। अब फ्रस्ट्रेटेड लव जो को मारने के लिए नाइफ लेके आ जाती है एंड उसे मारने ही वाली होती है, तभी जो होश में आ जाता है एंड एकेनाइड का इंजेक्शन उसके अंदर घुसा देता है। एक्चुअली जो को पता था कि लव गार्डन में एकेनाइड उगा रही है, जिस वजह से जो उसका एंटीडोट एडेलिन एंड एकेनाइड भी हमेशा अपने पास रखता था। अब डिनर के दौरान जब लव हेनरी को देखने गई थी, तो जो ने एडेलिन की टैबलेट्स खा ली थी, इसीलिए वो जल्दी होश में आ गया था। अब जो फिर से अपने फ्लैशबैक में जाता है,
जहाँ वो अपने मॉम के पास जाता है, जहाँ वो अपने नए बच्चे को पैम्पर कर रही होती है। बैक टू प्रेजेंट, जो अब हेनरी को डांटे के घर के सामने छोड़कर घर की डोरबेल बजाकर निकल जाता है एंड वापस अपने घर आकर लव के नाम से एक सुसाइड नोट लिखकर उसे एचओए को सेंड कर देता है, जिसमें वो सभी मर्डर्स को कन्फेस करके उन्हें एज अ फैमिली प्रोटेक्शन फ्रेम कर देता है एंड साथ ही लव के पास में नैटली एंड गिल की चीज़ें भी रख देता है और घर में आग लगा देता है, जिसके बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है जिन्हें जो के टोज मिलते हैं एंड जो के फ्रेम किए हुए प्रूफ भी, जिसे सब समझते हैं कि लव ने जो को मार के खुद सुसाइड कर लिए। उधर मैथ्यू एंड थियो का रिश्ता भी अब इम्प्रूव हो रहा है, तो डांटे हेनरी के साथ बहुत खुश है। तो उधर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाहर आ गए हैं जिन्होंने लव को बदनाम करके खुद को हीरो बना लिया है। तो उधर मैरियन एंड जूलियट भी कहीं दूर जा चुके हैं, उन्हें जो ने काफी ढूंढा पर वो उन्हें नहीं मिली। सीजन 3 के आखिर में जो खुद से प्रॉमिस करता है कि नो मैटर व्हाट मैं उसे ढूंढ ही लूंगा, फिर चाहे इसके लिए उसे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। और इसी के साथ ये सीजन 3 यही खत्म हो जाता है। फैमिली, नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी सीजन 4 भी इसका अनाउंस कर दिया है जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।